गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में विद्युत ध्रुव आघूर्ण और अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला ड्राइव करवा दिया था। बेटा, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज हम निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने जा रहे हैं, ठीक है ना। ये भी बोर्ड एग्जाम का बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्ष और निरक्ष 3 मार्क्स का। ये काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया गया है, ठीक है ना। अच्छा देखो, चित्र में दिया है एक विद्युत ध्रुव जो कि माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, राइट। दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या मान ली मैंने, 2a। अब देखो इसका मध्य बिंदु क्या है, O है। तो इसको मैं 2 पार्टों में डिवाइड कर लूं तो क्या हो गया, A और A, राइट। ये सुविधा की दृष्टि से हमने ऐसा कर लिया। मैं मानने को तो इसको A भी ले सकता था, क्यों नहीं लिया, ये A/2 और A/2 हो जाती तो आप समझ गए होंगे इसकी कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो जाती, ठीक है ना। इस वजह से मैंने इसको क्या ले लिया है, 2a ले लिया है। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर से किधर को होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। तो मैं इसको ऐसे भी ले सकता हूं, यहां पे द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा को रिप्रेजेंट कर दूं, ये हो गई, राइट, पी वेक्टर, क्लियर। अच्छा, अक्ष पर हम निकाल ही चुके, अब निरक्ष पर ज्ञात करनी है। तो निरक्ष किसे कहते हैं, दोनों आवेशों के मध्य बिंदु कौन सा है, ओ। ओ से होकर गुजरने वाली रेखा जो लंबवत इसके मध्य बिंदु से होकर जो रेखा गुजरेगी उसे कहेंगे हम विद्युत द्विध्रुव का निरक्ष, क्लियर। तो ये देखो बेटा, ये इसका निरक्ष हो गया, ये निरक्ष है। इस पर मैंने निरक्ष पर एक बिंदु ले लिया P, जहां मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ध्यान रखें, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी आपको बता दिया था कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से विद्युत क्षेत्र कैसे होता है, परे दूर दिशा में, और ऋण आवेश की ओर होता है। तो इसके कारण मैं निकालूं तो यहां से परे होगा। तो देखो इस प्रकार से, ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज की इसकी ओर डायरेक्शन होगी। ये पहले सबसे पहले डायग्राम बनाना है अपन, ठीक है ना। ये एरो लगा ली ना, ये किसको दर्शा रहा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शा रहा है। तो इसके कारण कैसे होती है, परे होती है। तो इसको मैं ऐसे भी प्रेजेंट कर दूं, ई, और बीएस में छोटा सा लिख दूंगा प्लस की। समझ में आ गई होगी आपकी में, इसका मींस क्या हुआ कि पॉजिटिव के कारण कैसे परे, और ये पॉजिटिव के कारण मैंने विद्युत क्षेत्र निकाला है। इस पर वेक्टर लगा दूं, माइनस के कारण इसकी ओर, तो इसको मैं यूं लिख सकता हूं ई माइनस क्यू वेक्टर, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं। ध्यान रखिए भैया, ये कोण मैंने मान लिया थीटा, जब ये कोण थीटा यहां से जितनी दूरी पर है तो ये भी कोण क्या होगा मेरा, थीटा होगा, राइट। तो इनके कारण मैं विद्युत क्षेत्र पहले ज्ञात करूं। तो देखिए बेटा, सबसे पहले आप क्या लिखनी है, पहले अपन को हिंदी लिखनी है, हिंदी में क्या लिखना है, चित्र में दिया है एक विद्युत द्विध्रुव जो कि हवा या निर्वात में स्थित है, जिसके आवेश का परिमाण q एवं बीच की दूरी 2a है, उसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, राइट। इस लैंग्वेज को लिखते हुए हमको एक एक चार्ज की वजह से बिंदु P पर मुझे विद्युत क्षेत्र फाइंड करना है, राइट। तो देखिए बेटा, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। तो देखो बेटा, किसके कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण। तो क्या सूत्र होता है, ये कैसा चार्ज है, बिंदुवत, और बिंदुवत के कारण जब कूलाम का नियम यूज में लेते हैं तो विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या आता है, K^q/r2। तो हम निकालें बेटा,
ई प्लस ई। तो मैंने कल भी बता दिया था आपको कि आप परिमाण में लिखना ज्यादा सुविधाजनक रहेगा, ठीक है ना। अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो लिख सकते हो, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी यहां पे, इसलिए आप केवल मैग्नीट्यूड लेना है। तो इसको देखें आप, क्या आएगा कूलाम के नियम से के क्यू, हवा निर्वात में के की वैल्यू आप जानते हो 1/4πε0। तो आप लिख सकते हो के क्यू अपॉन, ये डिस्टेंस देखें, ये दूरी क्या होगी, ये ए ये आर, तो ये डिस्टेंस क्या होगी बताओ, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट। तो इसका मुझे नीचे क्या करना है, वर्ग करना है, तो अंडर रूट हट जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो अंडर रूट का स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है, राइट। अब इसकी डायरेक्शन देखें, प्लस क्यू की किधर से किधर को है, बी से पी के अनुदिश, तो दिशा इसकी क्या लिख दूंगा मैं, बीपी के अनुदिश, बीपी के अनुदिश, क्लियर, कोई डाउट नहीं। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा बताओ, ई माइनस क्यू इक्वल टू, ये बेस में लिखना है छोटा सा, ये समझने के लिए है। इसका मीन्स हुआ, अगर मैं हिंदी को भी मिस्टेक हो जाए ना, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है सारी बातों को। इसका मीन्स क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। बहुत अच्छा मेथड है ये करने का, के क्यू अपॉन बताओ, ये भी डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी डिस्टेंस ये होगी, तो ये क्या हो गया, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन बताओगे आप किधर से किधर को होगी बताओ, अब एरो नेगेटिव की ओर होती है ना, तो पी ए के अनुदिश, तो मैं यहां लिख सकता हूं दिशा पी ए के अनुदिश, राइट, कोई डाउट नहीं यहां पर। अच्छा एक बात समझ में आ रही होगी आपके में, दोनों इक्वेशनों को देखो आप यहां पर, ये पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड देखिए सेम दोनों, और नेगेटिव चार्ज देखो, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के इंटेंसिटी कैसी है, सेम है ना, परिमाण में समान है, डायरेक्शन कैसी है, अलग अलग है, विपरीत नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अलग अलग, दोनों की अलग अलग है। तो ऐसी स्थिति में अपन को क्या करना है, इनको घटकों में तोड़ना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, घटकों में तोड़ना पड़ेगा। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में आपको इस जगह तीन नोट लिखाए थे, तो इसको पढ़ने से पहले आप प्रीवियस लेक्चर को 100% देखें, तब आपको बेहद आसान हो जाएगा ये टॉपिक, ठीक। तो उसमें मैंने घटकों को आपको वियोजित करना सिखाया था, एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं उसी बात को, ये थीटा, तो इसको देखो दो घटकों में तोड़ना पड़ता है ऐसी कंडीशन में, एक तो क्षैतिज घटक होते हैं और एक ऊर्ध्वाधर घटक होते हैं। तो देखो बेटा ये क्षैतिज घटक हो गया इसका, ठीक है ना, किसका, विद्युत ध्रुव का, और ये कौन सा हो गया बेटा, ऊर्ध्वाधर घटक, ये ऊर्ध्वाधर घटक, ठीक भैया। अब यहां पर हम देखो ध्यान रखना, ये थीटा तो ये भी क्या होगा मेरा, थीटा होगा, क्यों क्यों होगा थीटा बताओ, क्योंकि ये एकांतर कोण है, कौन सा कोण है, ये एकांतर, ये थीटा तो ये भी क्या होगा बताओ, थीटा होगा 100%, और ये थीटा तो ये थीटा, ये क्लियर हो गया। थीटा की दिशा में कौन सा घटक लेते हैं, कॉस थीटा, और ये क्या होगा बताओ, ये पूरा 90, ये पूरा 90, ये थीटा, तो ये क्या बचा मेरा 90 माइनस थीटा, तो इसके घटक कर लें, इस दिशा में क्या होगा, ई प्लस क्यू साइन थीटा, इधर क्या होगा इसका, ई प्लस क्यू कॉस थीटा, ई माइनस क्यू का घटक करें, इस दिशा में क्या होगा, ई माइनस क्यू कॉस थीटा, और इधर घटक क्या होगा इसका, ई माइनस क्यू साइन थीटा, समझ गए ना आप। तो देखो स्पष्ट है, इन दोनों समीकरणों से क्या स्पष्ट होता है, स्पष्ट है कि प्लस क्यू इक्वल टू मोड ऑफ माइनस क्यू,
ठीक है ना, आप ऐसे भी ले सकते हो, परिमाण को शो करता है ये, ठीक है ना। इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी आती है बेटा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड इनका सेम है दोनों का, ठीक है ना। हमने अब घटकों में इसको तोड़ लिया, तो आप जानते हो कि जब परिमाण में समान हो और दिशा बिल्कुल विपरीत हो तो वो क्या हो जाते हैं, ऐसे घटक निरस्त हो जाते हैं, ठीक है ना। ये सदिश राशियों में ऐसा होता है, और अगर वो समान दिशा में हो तो वो क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहां पर ये दोनों कैसे हैं परिमाण में, ये e माइनस q साइन थीटा, ठीक है ना। इसको और साफ लिख देता हूं मैं, बोल दिया है वैसे मैंने आपको साफ साफ, e माइनस q क्या आएगा, साइन थीटा, राइट। तो देखिए भैया जी, ये दोनों परिमाण में समान है, डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है, तो ये एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, राइट। और ये दोनों एक ही दिशा में होने के कारण, ठीक है ना, क्या हो जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे। तो परिणामी जो विद्युत क्षेत्र मुझे प्राप्त होगा वो कौन से घटकों के कारण होगा भैया, क्षैतिज घटकों के कारण। तो ये मैं लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं यहां, क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक, राइट। और ये कौन सा घटक है हमारे, ऊर्ध्वाधर घटक, बिल्कुल क्लियर कर दिया भैया, ठीक है ना। तो ये तो निरस्त हो जाएंगे दोनों, ये निरस्त हो गए आपस में, और ये घटक दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि समान दिशा है, राइट। तो देखो भैया परिणामी विद्युत क्षेत्र, तो मैं लिख देता हूं यहां, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या आएगा बताओ, EP बराबर, दोनों जुड़ गए, क्या आएगा देख लो वहां से, E प्लस क्यू कॉस थीटा और E माइनस क्यू कॉस थीटा, ठीक है भैया। अब देखो इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, E प्लस क्यू की जगह क्या लिख सकता हूं, E माइनस क्यू लिख सकता हूं, राइट। और इसकी जगह भी क्या लिख सकता हूं मैं, E प्लस क्यू लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने यहां पे ये क्लियर कर दिया है। तो आप चाहें देखो मैं दूसरे मार्कर से लिख रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए, सर ने ये चेंज किया है, ठीक है ना। तो दोनों जुड़ गए, तो EP इक्वल टू टू E प्लस क्यू कॉस थीटा, राइट। अच्छा कॉस थीटा की मुझे वैल्यू निकालना बाकी रह गया है, वो मैं इस ज्यामिति से, इस डायग्राम से मैं इसको निकाल दूंगा, ठीक है ना भैया। तो जब भी साइन कॉस टेन की वैल्यू ज्ञात करते हैं तो उसके लिए हमको समकोण त्रिभुज चाहिए, तो ये समकोण त्रिभुज आपके सामने दे रखा है। तो देखिए भैया चित्र से, समकोण त्रिभुज कौन सा है, कोई सा भी ले लो आपको जो उचित लगे, इसको ले लेते हैं अपन बी ओ पी में, किसका रिलेशनशिप निकालनी है, कॉस थीटा की, तो आधार बटे कर्ण, राइट। आधार बोले आप ए और कर्ण बोले भैया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, और अंडर रूट को क्या लिख सकता हूं बताओ, वन बाई टू, राइट। अंडर रूट को मैं क्या लिख सकता हूं, वन बाई टू लिख सकता हूं, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए आपको। अब देखो इस इक्वेशन में मैं ई प्लस क्यू और कॉस थीटा की वैल्यू यहां से पुट कर देता हूं, राइट। तो क्या हो जाता है ईपी, अच्छा एक बात देखें, परिणामी विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन किधर होगी आपको दिख रही है, देखो दोनों को किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और द्विध्रुवागम की दिशा किधर से किधर को है, ए से बी की ओर, और परिणामी विद्युत क्षेत्र कौन से घटकों के कारण, क्षैतिज घटकों के कारण, तो किस दिशा में होंगे, इस दिशा में होंगे, राइट। तो मैं यहां लिख सकता हूं, ये एक बात और लिख दें अपन, क्षैतिज घटकों के कारण प्राप्त हुआ है, क्षैतिज घटक और दिशा बताओ इसकी बी ए के अनुदेश,
दिशा बी ए के अनुदिश। क्लियर? बिल्कुल शब्द मेरे साफ सुनाई दे रहे हैं। ओके, अब देखो भैया इसकी वैल्यू पुट कर दें, टू ई प्लस क्यू की वैल्यू देख लो, यहां से लिख दो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू देखें भैया, ए अपॉन आर स्क्वायर ए स्क्वायर का वन बाय टू, ठीक है ना। आप एक साथ इसको लिख दें तो एपी एक साथ लिखने पर एपी बराबर टू के क्यू, ठीक है ना भैया। अच्छा टू को मैं इसके साथ लिख देता हूं के क्यू टू ए, समझ गए होंगे आप मैंने ऐसे क्यों किया है। ये पी की वैल्यू है, विद्युत ध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अच्छा देखो ध्यान रखना, ये ए और ये हाफ क्या हो गया, डेढ़, एक से एक बटे दो को क्या लिख सकता हूं, थ्री बाई टू, थ्री बाई टू। तो देखो बेटा ये निरक्ष पर मेरी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आ गया। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कल से आपको बता रहा हूं, मैं अक्ष और निरक्ष पर एक आता जरूर है, ठीक है ना। अब यहां पे हम वही कंडीशन अप्लाई कर लें, तो कंडीशन अप्लाई करने पर शर्त, तो शर्त क्या है हमारी, ध्यान रखना कि विद्युत ध्रुव तो बहुत छोटा होता है, ठीक है ना। अब बहुत छोटा होता है तो एक ही वैल्यू आर की तुलना में कैसी हो जाएगी, बहुत छोटी हो जाएगी एक ही वैल्यू, ये तो इतना सा होता है और आर तो काफी दूरी है। तो देखो शर्त क्या है, जब ए इज वेरी वेरी लेस देन क्या हो आर, तो ए स्क्वायर तो आर स्क्वायर से बहुत छोटा हो जाएगा, जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब ए स्क्वायर को आर स्क्वायर की तुलना में मैं क्या कर लूं, नगण्य मान लेता हूं, तो ए स्क्वायर को आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य मानने पर, यूं भी ले सकता हूं मैं छोड़ने पर, राइट, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो एक बात और बताऊं मैं एग्जामिनर की आपको थिंकिंग बताऊं, जब आपका टॉपिक कोई आता है ना तो सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना चाहिए, ठीक है ना। डायग्राम आपका सुंदर है, सब चीज क्लियर है, उसके बाद उस डायग्राम से देख देख के आपको थ्योरी लिखनी होती है और उसके बाद आपको डेरिवेशन करना होता है, जिस प्रकार से मैंने किया है, ठीक है ना। क्योंकि सबसे पहले एग्जामिनर जो डिसाइड आपके मार्क्सों को जो डिसाइड करता है वो इस डायग्राम को देख करके करता है, और डायग्राम से ये डेरिवेशन तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा जब आप पे डायग्राम होता है, ठीक है ना। ये एग्जामिनर की सोच होती है, क्योंकि एग्जामिनर मैं भी हूं, मुझे पता है कि कॉपी किस प्रकार से चेक करते हैं, ठीक है ना। ए स्क्वायर को आर स्क्वायर की तुलना में, सारी चीज क्लियर हो गई बोर्ड पे, ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर है। अब इसको मैं नेग्लेक्ट कर देता हूं, इसको छोड़ देता हूं, तो क्या हो गया, ईपी इक्व टू के क्यू टू ए अपॉन ए स्क्वायर को मैंने छोड़ दिया, तो क्या बचा ब्रैकेट में आर स्क्वायर का थ्री बाई टू, राइट। अच्छा अब देखो मैं ये टू से टू कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा आर क्यू, ठीक। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, तो आप इधर देखें, अब हाँ देखिए भैया ईपी इक्व टू के क्यू टू ए अपॉन आर क्यू, राइट। अब हम जानते हैं कि विद्युत ध्रुव आघूर्ण टी बराबर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है Q इंटू टू ए, ठीक है ना। इसकी वैल्यू उसमें पुट कर दें तो EP बराबर K P अपॉन R क्यू,
अच्छा, मैंने आपको शुरू में बोला था कुछ नहीं कहा जाए तो किस में रखा हुआ मानूंगा मैं इसको, हवा या निर्वात में। तो हवा निर्वात के लिए k की वैल्यू जानते हो आप, क्या होती है k की वैल्यू हवा निर्वात के लिए? हवा या निर्वात के लिए बोले k इक्वल टू 1/4πε0, राइट। इसकी वैल्यू आप इसमें पुट कर दें तो क्या हो जाता है हमारा फॉर्मूला, EP 1/4πε0 P अपॉन R। डायरेक्शन बोले भैया दिशा, दिशा होगी मेरी BA के अनुदिश, ठीक है ना। अगर मैं इसमें माध्यम की बात करूं तो बताओ माध्यम के लिए क्या हो जाएगा, ε0 ε r, सेम पिछला जैसे मैंने डेरिवेशन ड्राइव किया था उसी की तरह। अगर मैं इसको सदिश वेक्टर फॉर्म में किया जाए तो वेक्टर फॉर्म में हमारा कैसे होगा, ये सदिश रूप में। तो भैया सदिश रूप में देखें, ईपी वेक्टर लगा देना 1/4πε0 पी अपॉन आर की। अब देखो पी पर वेक्टर लगाना पड़ेगा तो ये भी तो सदिश राशि है। अब दोनों की डायरेक्शन देखो, इसका मतलब क्या हुआ जब मैंने वेक्टर लगाया कि इसकी डायरेक्शन में क्या आपस में तालमेल है, ठीक है ना, शुद्ध हिंदी में बोले ना, आपस में क्या तालमेल है इनमें। अच्छा परिणामी विद्युत क्षेत्र है, इसकी डायरेक्शन देखो किधर है, बी से ए की ओर, राइट। और पी वेक्टर की डायरेक्शन किधर से किधर को होती है, ए से बी की ओर होती है कि नहीं होती। तो दोनों की डायरेक्शन कैसे हुई बताओ, अपोजिट। तो किसका साइन आ जाएगा, किसका चिन्ह आ जाएगा, यहां पे माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ये आपको वेक्टर फॉर्म में करना है, ठीक है ना, नोट करें। हाँ देखें भैया, अब देखो ये भी मैंने बता दिया था आपको, ठीक है ना, माध्यम में निकलवाऊंगा इसको तो कैसे करेंगे, माध्यम के लिए, ठीक है ना, तो क्या लिख सकता हूं मैं बताओ, ईपी वेक्टर बराबर माइनस 1/4πε0εr, राइट, और पी वेक्टर अपॉन आर की, ये आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है ना भैया। दूरी के साथ क्या रिलेशन आ रहा है आप जानते हो, तो लिख सकता हूं मैं यहां स्पष्ट है कि द्विध्रुव आघूर्ण के साथ क्या रिलेशन है, नंबर एक ईपी समानुपाती पी, ठीक है, पी का मान जितना ज्यादा होगा विद्युत क्षेत्र उतना ही ज्यादा उत्पन्न होगा। डायरेक्शन तो बस दिशा को बता रहा है, ध्यान रखना। हाँ नंबर दो, और ईपी समानुपाती 1/r, इनमें अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो कैसे ग्राफ बनने वाला है जरा देखें आप। ये पी ले लिया यहां और ये मैंने ई ले लिया, ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से पास होगा ये और स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी जो समानुपाती का रिलेशन है। इसका मींस क्या है कि पी का मान बढ़ेगा तो ईपी का मान भी बढ़ेगा, राइट, और दूरी का मान घटेगा तो इसका मान बढ़ेगा। तो इसमें अपन ग्राफ प्लॉट करें दूरी के साथ, तो ये ग्राफ ऐसे आता है, ठीक है ना, और 1/r³ के साथ करें तो स्ट्रेट लाइन ही आएगी। अच्छा अब थोड़ा सा आप इस कॉन्सेप्ट को यूं देखें कि इसका मात्रक क्या होगा, वही होगा जो विद्युत क्षेत्र का होता है। क्या होता है विद्युत क्षेत्र का, न्यूटन अपॉन कूलम, तो इसका भी वही होगा। अब आप कहोगे सर नीचे तो आर क्यू आ रहा है, उसमें तो आर स्क्वायर आया था, बात ये नहीं है, विनीय सूत्र से देख लो उसमें क्या आता था, नोट E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आया था बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, आया नहीं आया, यहां पे क्या आ रहा है, ईपी बराबर के पी, पी की वैल्यू बोलो क्यू इंटू 2a और अपॉन आर क्यू, ठीक है ना। अब आप डायमेंशियल देखें इसको विमीय सूत्र से देखें, देखो 2a क्या है, डिस्टेंस ही तो है, तो एक डिस्टेंस से इसकी डिस्टेंस कट गई तो क्या सूत्र बचा हमारा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो वही फॉर्मूला आना है इसका, ठीक है ना, समझ गए ना आप।
तो इसका जो मात्रक है वही मात्रक इसका होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये आप नोट करें और एक नया रिलेशन नोट कर लिया, देखें अब अगला। इंपॉर्टेंट नोट है, अक्ष पर हमने विद्युत क्षेत्र जो निकाला था वो आपको लर्न कर लिया होगा, और मैं यही आशा करता हूं कि आप मेरे साथ साथ नोट करते चल रहे हैं, होमवर्क प्रॉपर वे में कर रहे हो आप, और प्रैक्टिस भी साथ साथ कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो देखो इंपॉर्टेंट नोट है, जरा इसे देखें। अक्ष पर मैंने विद्युत क्षेत्र का जो मान निकलवाया था वो आता है मेरा KP अपॉन आर की, राइट, और आगे क्या होता है इसमें 2। और ई निरक्ष पर हम बात करें तो अभी भी जो मैं निकलवाया है KP अपॉन आर की, दोनों का रेशो देखें, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, तो क्या आती है ई अक्ष बटे ई निरक्ष इक्वल टू 2 KP अपॉन आर क्यू इन टू फॉर्म के, ठीक है ना। इसमें डिवाइड कर दिया ना, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो ई अक्ष बटे ई निरक्ष इक्वल टू 2/1, ठीक है ना। या इसको और सिंप्लीफाई करूंगे तो ई अक्ष बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया 2 ई निरक्ष। इसका मींस क्या हुआ, कौन सा विद्युत क्षेत्र बड़ा होता है अक्ष वाला के निरक्ष पर, अक्ष पर मैक्सिमम होता है, ठीक है ना, कहां पर मैक्सिमम होता है अक्ष पर। तो हम कह सकते हैं ई अक्ष इज ग्रेटर देन ई निरक्ष, राइट भैया। तो ये रिलेशनशिप आ गई, इनका अनुपात क्या होता है 2:1, और अक्ष पर विद्युत क्षेत्र का मान निरक्ष के विद्युत क्षेत्र से ज्यादा होता है, और ये तो होना ही था। देखो कैसे, एक तो किसी, देखो आप, अक्ष पर हमने घटकों में तोड़ा नहीं था, ठीक है ना, कोई घटक नहीं किए थे हमने, और यहां पर हमने घटकों घटक लेकर के उसको तोड़ा है, तो घटक लेकर के उसको तोड़ रहे हैं फिर उसके बाद विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि ये तो 100% कम आना ही था, और आना ही था, ठीक है ना। तो अक्ष पर कैसा होगा, मैक्सिमम होगा, और निरक्ष पर कम होगा, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, इसको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको बार बार आप प्रैक्टिस करके देखें, ठीक है ना। धन्यवाद।